हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रश्मि की रसोई में। आज हम नवरात्रों में कन्या पूजन में बनाए जाने वाले प्रसाद की रेसिपी यहाँ पे सभी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने बनाई है पूड़ियाँ, खीर, काले चने और हलवा। तो इसकी रेसिपी अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जितने मसाले हैं उन्हें प्रेजेंट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम काले चने ओवरनाइट सोक कर लिए थे। अब यहाँ पे मैंने सरसों का तेल इसमें डाल दिया है कुकर में। ये लगभग 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल है, आप कोई और तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच ज़ीरा। इसे अच्छे से हम यहाँ पे फ्राई होने देंगे। जब हमारा ज़ीरा अच्छे से क्रैकल होने लगेगा उसके बाद हम इसमें मसाला डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी लगभग 1 चम्मच, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैंने यहाँ पे 3 चम्मच इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे काले चनों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। मैं यहाँ पे 4 चम्मच टमाटर की प्यूरी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कटा हुआ टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर टमाटर की प्यूरी यूज़ करने से इसकी ग्रेवी अच्छी सी रेडी हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है ग्रेवी। अब हमने जो भिगाया हुआ काले चने थे उन्हें हमने इसमें सर्व कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी यूज़ किया है। इसे अच्छे से हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें सीटी लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने 12 सीटियाँ लगाई हैं। ये देखिए काले चने बहुत अच्छे से मेरे रेडी हो चुके हैं। ये अच्छे से गल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अब हमारी है सेकंड रेसिपी, खीर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 लीटर दूध, जिसे मैंने अच्छे से एक बार बॉईल कर लिया था। उसमें एक उबाल आने के बाद मैं इसमें चावल डालूँगी। अब हम इसमें इसको अच्छे से स्टर करते रहेंगे। जब इसमें एक बार और उबाल आ जाएगा फिर हम इसकी आंच धीमी कर देंगे और इसे पकते रहने देंगे। खीर हम तब तक बनाएंगे जब तक हमारी खीर अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी से थोड़ी कम चीनी यूज़ करी है। इसे अच्छे से हम घुमाते रहेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमारी जो खीर है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है, एकदम गाढ़ी सी खीर। अब हमारी है तीसरी रेसिपी, हलवा, यानी सूजी का हलवा। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें 250 ग्राम सूजी डाल देंगे। सूजी को हम अच्छे से इसमें रोस्ट होने देंगे। हमारी सूजी जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप टोटली अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। जब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और हम इसे घुमाते रहेंगे और एक टाइम आने के बाद आपकी सूजी सूखने लगेगी, उस टाइम पे आपको इसमें घी ऐड करना है। 250 ग्राम अगर आपने सूजी यूज़ करी है तो 250 ग्राम ही आप चीनी घी यूज़ कीजिएगा। हमारा सूजी का हलवा रेडी हो चुका है। अब हमारी है रेसिपी
पूरी की। तो इसमें हमने जो आटा गूंदा है उसमें मैंने सबसे पहले डाल ली है अजवाइन, फिर हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। इसे पहले मैंने तवे में हल्का सा सेक लिया था और फिर इसको क्रश करके इसमें यूज़ कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, ये लगभग 2 चम्मच मैंने यूज़ किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, ये आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो। अब हमने इसके अच्छे से गूंद लिया था, अब हमारी बारी है पूड़ी बनाने की। तेल अच्छे से गरम कर लिया था और ये देखिए हमारी टेस्टी सी पूड़ी रेडी हो गई है। इस तरह से जब आप पूड़ी बनाते हैं तो आपकी पूड़ी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है क्योंकि इसमें अजवाइन है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस देखिए हमारी पूजा की जो थाल है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसमें है पूड़ी, खीर, काले चने और हलवा। इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।